वो भी ज्यादा मजबूती ठीक है, मैं मानस की तरफ रुक कर लेता हूं। मानस, क्योंकि अब आपसे जानना है, नीतीश और नायडू की ज्यादा चर्चा हो रही है, लेकिन कल के मैन ऑफ द मैच कहे तो वो अखिलेश यादव ही थे। कल जो सबसे बड़ी सियासी जंग है उसमें अखिलेश यादव ने जिस तरह से परफॉर्मेंस की है उसने सबको हैरान कर दिया है। लेकिन बड़ा सवाल है कि अब अखिलेश यादव की पॉलिटिक्स किस दिशा की तरफ जाएगी, क्या क्योंकि अभी उनको फैसला विपक्ष में बैठने का लेना है, या फिर अखिलेश यादव को यह भी तय करना है कि राष्ट्रीय छवि के तौर, राष्ट्रीय नेता के तौर पर एक नई ब्रांडिंग, एक नई छवि भी उनकी बन सकती है। जी देखिए, निश्चित तौर पर और समाजवादी पार्टी के लिए कल का दिन बेहद ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक इस लिहाज से था कि मुलायम सिंह यादव के बगैर पहली बार अखिलेश यादव किसी चुनाव में उतरे, और ये भी बात सच है कि बीते 10 सालों का जो सूखा था वो सूखा समाप्त हुआ और बहुत शानदार प्रदर्शन किया समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस, वो उसने अभी हार नहीं मानी है, क्योंकि आज सुबह ही मैंने दिखाया था, जब मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर था तो वहाँ पर लिखा हुआ था बड़े बड़े पोस्टर होल्डिंग्स में कि अब की बार PDA सरकार। तो मैसेज बहुत साफ है, और कल रात से ही इस बात को लेकर के प्रयास तेज हो गए थे, और अखिलेश यादव को इस बात की जिम्मेदारी आत्मक राजनीति को नकार दिया है। नकारात्मक राजनीति के खिलाफ मतदान हुआ है। सकारात्मक राजनीति हो, सामाजिक न्याय मिले, लोकतंत्र बचे, आरक्षण बचे, या हमारा संविधान और बेहतर हो, तो उस दिशा में जनता का मतदान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा संविधान को ठेस पहुंचाने का काम किया। तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं, जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकारा है, अब बयानों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। बहरहाल NDA को बहुमत मिला है, लेकिन जिस तरह से देश के विपक्ष ने सियासी लड़ाई को लड़ा है, इसलिए विपक्ष के बयान भी अब और तीखे और प्रहार हो गए हैं। जनता ने नई उम्मीद के साथ हमारा साथ दिया है। अखिलेश यादव, देखिए चुनावी नतीजों के बाद उनका ये बड़ा बयान, जनता ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है। यूपी की सियासत में बड़ा उलटफेर कल देखने को मिला था। इंडिया अलायंस ने सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल की हैं। यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है समाजवादी पार्टी। यूपी में 80 में से 37 सीटें अखिलेश यादव ने जीती हैं, और यही वजह है कि अखिलेश की भूमिका इस वक्त क्या हो जाती है, चाहे वो इंडिया अलायंस की सरकार हो या फिर देश की सियासत हो, क्योंकि यूपी में जिस तरह से BJP को इंडिया अलायंस ने पटकनी दी है, खासकर समाजवादी पार्टी ने, 37 से ज्यादा सीटें यहां पर समाजवादी पार्टी ने हासिल की हैं, इससे अंदाजा हो सकता है कि अब क्या होगा। क्या NDA जो पिछले 10 सालों से देश की सत्ता पर काबिज है, क्योंकि बहुमत उनके साथ है, प्री पोल अलायंस जो है उसके मुताबिक बहुमत NDA के पक्ष में है, इंडिया अलायंस बहुमत से दूर है, लेकिन जोड़ तोड़ की राजनीति या दूसरे सहयोगियों को जोड़कर क्या इंडिया अलायंस सरकार बनाने में कामयाब होगा, देश की सियासत या देश के लोगों की निगाहें या देश के तमाम उन मतदाताओं की निगाहें जिन्होंने इस तरह का जनादेश दिया है कि एक तरफ बहुमत है तो दूसरी तरफ विपक्ष को भी मजबूत किया है, अब क्या होगा यह देखने वाली बात होगी। बहरहाल यूपी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर समाजवादी पार्टी उभरी है, और जब अखिलेश यादव मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा कि देश ने नकारात्मक राजनीति को नकार दिया है।